हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लेक्चर को आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी लेक्चर वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसके टॉपिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सभी बातों को मैं अभी आपको समझाऊंगा बोर्ड के माध्यम से। तो अगला जो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगा वो बोर्ड दिखाई देगा और मैं एक एक करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डील करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, रिपीट करके देखें ताकि आप लोगों को कोई टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर किसी को इस चैप्टर में कोई परेशानी हो, कोई समस्या आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें या फ़ोन करके मुझे टॉपिक्स बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाउट क्लास का वीडियो मैं बना सकूं और आप लोगों को अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझा सकूं। तो अगला स्क्रीन जो आपको दिखाई देगा वो बोर्ड का दिखाई देगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नया चैप्टर है, एक्सरसाइज 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम से ही पता है। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिक, विद्युत, और केमिस्ट्री बोले तो केमिकल, रासायनिक। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में, ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे। एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा का रूप होता है काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। वी आर वेल नोन दैट एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स। इट हैज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। वी आर अर्लियर स्टडीड दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर ये आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, हाउ वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड हाउ वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक बार फिर से बता रहा हूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अर्थात विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस भाग में हम लोग यह पढ़ते हैं कि किस प्रकार विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है,
या किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, अर्थात केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे में वाइस वर्सा एक दूसरे में कैसे अदला बदली किया जा सकता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले, इससे पहले कि यह चैप्टर शुरू करें, आप लोगों को यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत अपघटय, वैद्युत अनपघटय, ये क्या होता है पहले यह समझना होगा। दोज केमिकल सब्सटेंस विच में ब्रेक डाउन इंटू आयंस, दैट इज कटायन एंड एनायन, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, लाइक NaCl, ये ब्रेक कर सकता है Na+ Cl-, लाइक HNO3 ये ब्रेक कर सकता है H+ NO3-। तो इस तरह से वे केमिकल सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में यानी द्रवित अवस्था में आयंस में ब्रेक कर सकता है, कटायन और एनायन में बदल सकता है, इसे हम लोग वैद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय अवस्था में अपने आयनों में विच्छेदित हो सकते हैं, धनायन एवं ऋणायन में टूट सकते हैं, उन्हें वैद्युत अपघटय, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और अपघटय मतलब टूट जाना, अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जो द्रव या जलीय अवस्था में अपने आयनों में विच्छेदित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को वैद्युत अपघटय कहते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस विच में ब्रेक इनटू देयर आयंस, दैट इज कटायन और एनायन, इन देयर लिक्विड और एक्वस मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसका ठीक उल्टा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वे सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, ये ग्लूकोज, ये यूरिया, इनको जब आप लिक्विड में घुलाएंगे, जल में घुलाएंगे, या इनको जब आप पिघला देंगे, मोल्टन स्टेट में लाएंगे, दे कांट ब्रेक इनटू देयर आयंस, दे कांट ब्रेक इनटू कटायन एंड एनायन, देयरफॉर These are called non-electrolyte and these are called electrolyte। वे पदार्थ जो द्रवित या जलीय अवस्था में आयनों में विच्छेदित नहीं हो सकते हैं उन्हें हम लोग वैद्युत अन अपघटय कहते हैं। अन मतलब नहीं और अपघटय मतलब टूटना, जो आयन में नहीं टूटते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वैद्युत अन अपघटय यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, इसका बस डिफिनेशन हम लोगों को जानना था। मेन जो हम लोगों का टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसको डिटेल्स में चलेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट है, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं वीक दुर्बल और एक हो सकते हैं स्ट्रांग सबल। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयंस में ब्रेक कर जाए, जैसे NaCl, जैसे HNO3, इनको जब हम लोग लिक्विड फेज में लाएंगे, जब जल में घुलाएंगे, ये 100% आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, यानी ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो 100% आयंस में ब्रेक नहीं करेंगे, 20%
30%, 10%, इस तरह से ब्रेक करते हैं। जैसे एसीटी के सीट CH3COOH, एसीटी के सीट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब एसीटी के सीट को जल में घुलाएंगे, ये 100% आयंस में डिसॉल्व ब्रेक नहीं हो पाएगा, इट कांट ब्रेक डाउन इनटू आयंस कंप्लीटली। देयरफॉर एसीटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस दोज इलेक्ट्रोलाइट विच मे ब्रेक डाउन कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बस दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कांट ब्रेक डाउन कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे डिफिनेशंस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, वो आपको नोट्स में मैं पहले भेज चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखने के समय कोशिश कीजिए कि नोट्स आपके बगल में रखा रहे, ताकि जब भी मैं किसी टॉपिक को समझाऊं, आप बगल में नोट्स जो है वो आप पढ़ सकें, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और अगर बगल में नोट्स नहीं रख रहे हैं तो आप पहले एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सारा टॉपिक जरूर समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आप लोगों को अगले टॉपिक पे ले चलते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन, इस टॉपिक के बारे में मेरे दो स्टूडेंट, एक सौरभ और एक रोहित, दोनों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। रोहित ने सीधे लिखा था कि सेकंड टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ ने तो फोटो खींच के भेज दिया था कि ये वाला रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस समझा रहा हूं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, आप लोग पढ़े हैं और नहीं समझ में आया है, वो समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी तक पढ़े ही नहीं है, वो अब पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक समझ में आए। मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो आप लोग ये समझिए कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि NaCl, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट है। अर्थात अगर इसको पिघला दें, मोल्टन स्टेट में ले आए, द्रवित अवस्था में ले आए, तो ये आयंस में ब्रेक कर जाएगा, ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, कटायंस और एनायंस में ब्रेक कर जाएगा। अब आप समझिए कि एक पात्र में हम NaCl को पिघला के ले लिए, इसमें दो रॉड लगाते हैं, एक को प्लस से जोड़ दीजिए, एक को माइनस से इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जोड़ दीजिए। जो प्लस है ये कहलाता है एनोड, ये जो माइनस है ये कहलाता है कैथोड। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस की ओर आएगा और ये जो माइनस है ये प्लस की ओर आएगा। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। यानी नमक को एक बर्तन में पिघलाकर जैसे ही आप लोग करंट पास कराएंगे, ये NaCl पहले ही टूट चुका है Na प्लस और Cl माइनस में, माइनस वाला आएगा प्लस की ओर यानी एनोड की ओर, और प्लस वाला जाएगा माइनस पर यानी कैथोड की ओर। सबसे पहले हम बताते हैं एनोड पर क्या होता है। ये जो Cl माइनस है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है, एक चार्ज है। ये Cl माइनस एनोड पर यानी प्लस पर आता है
और अपने इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर अगर चार्ज है माइनस, इसके मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और कन्वर्ट कर जाता है क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस बन जाता है। यानी इस प्लस वाले एरिया पर आप एक बुलबुला निकलते हुए देखेंगे, और ये जो बुलबुला होगा वो कौन सा गैस होगा? क्लोरीन, Cl2 गैस होगा। कहेंगे सर यहां तो 2 लगा है, तो बैलेंस करना तो हम लोगों के हाथ में है, यहां पे चूंकि 2 लगा है तो आप यहां पे 2 लगा दीजिए, जब यहां 2 लगाएंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बैलेंस कर दीजिए। नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए पहुंचेगा कैथोड पर, जहां पर पहले से Na प्लस अवेलेबल है। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्लस का इसकी किधर जाएगा? माइनस की ओर, यानी कैथोड की ओर, माइनस की ओर आएगा। तो Na प्लस कैथोड पर पहले से अवेलेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए थ्रू द सर्किट कैथोड पर आएगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को सोडियम गेन करेगा, तो सोडियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 सोडियम लेते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये 2 सोडियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाएगा Na सोडियम में। यानी यहां पर आप एक मटेरियल, एक पदार्थ जमा होते हुए दिखाई देगा, और ये पदार्थ होगा सोडियम यानी Na। फाइनली अगर इस रिएक्शन को हम लोग जोड़ना चाहें, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा देते हैं पूरे रिएक्शन में, ताकि आराम से बैलेंस होके कट सके। आप लोग देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 Na प्लस, सॉरी 2 Na प्लस से 2 Na प्लस, 2 Cl माइनस से 2 Cl माइनस। फाइनली रिएक्शन क्या मिला? 2 NaCl एरो 2 Na प्लस Cl2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एक बर्तन में, इस बर्तन को, इस ये जिस बर्तन में हम रिएक्शन करा रहे हैं, इस बर्तन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी विद्युत अपघटनी सेल, ये इस बर्तन का नाम है। तो इसका मतलब क्या कि जब एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर इससे जब हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, तो एनोड पर जमा हो जाता है क्लोरीन और कैथोड पर जमा हो जाता है सोडियम। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पूरी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी विद्युत अपघटन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे डिफिनीशन, कि डिफिनीशन बताइए विद्युत अपघटन क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि किसी विद्युत अपघटय के, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, किसी विद्युत अपघटय के द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, एक बार फिर से, किसी विद्युत अपघटय के द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये विच्छेदित हो जाते हैं, तथा एनोड एवं कैथोड पर कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं या जमा होते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। जिस पात्र में इस पूरी प्रक्रिया को कराई जाती है, उस पात्र को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड के जली, सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था के विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होता है क्लोरीन और कैथोड पर प्राप्त होता है सोडियम। इट मींस दैट How will you define electrolysis? You have to say when electric current
एक बार फिर से, व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सम सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दोज एपरेटर्स इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस में अकर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, सोडियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज इवॉल्व्ड एट एनोड एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी पूर्ण प्रक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वैद्युत अपघटन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक बात आप लोग को और पढ़ाना चाहता हूं, एक बात और समझाना चाहता हूं। याद कीजिए, 11th में मैंने आप लोगों को बताया था लियो गर्ल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अगर यहां आप लोग गौर से देखें तो यहां Cl- इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। हमेशा एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर ये Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी यहां हो रहा है रिडक्शन, अवकरण। यानी आप लोगों को याद रखना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, आप लोग बोलेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक खत्म हो गया। इसके कई और, एक तो एग्जांपल मैंने ये आपको बताया कि मोल्टेन NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या क्या बनता है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और हैं जो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन का एक दूसरा एग्जांपल आप लोग समझिए। अगर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नमक को NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दे, यानी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन अगर हम लोग बनाते हैं, एक प्लस जोड़ देते हैं, एक माइनस जोड़ देते हैं, यानी एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। और जब हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, समझिए। सबसे पहले क्या होगा, NaCl ब्रेक कर जाएगा Na+ प्लस में और Cl- माइनस में। टू लगा देते हैं, बैलेंस रिएक्शन आगे आसानी रहेगा आप लोग को समझने में। वाटर भी है इस रिएक्शन में, इस फॉर्मूले, इस इलेक्ट्रोलिसिस जब कर रहे हैं तो वाटर भी है। वाटर ब्रेक कर जाएगा H+ में और OH- में। इसके पहले वाले में वाटर नहीं मिलाए थे, सिर्फ NaCl था, लेकिन यहां पर जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो यानी वाटर भी है और NaCl भी है, तो NaCl भी ब्रेक करेगा आयंस में, वाटर भी ब्रेक करेगा आयंस में। NaCl ब्रेक करेगा Na+ और Cl- में, H2O ब्रेक करेगा H+ और OH- में।
अब ये दो प्लस है Na प्लस और H प्लस, ये दोनों माइनस की ओर आएगा यानी कैथोड की ओर। दो माइनस है Cl माइनस और OH माइनस, ये दोनों प्लस की ओर आएगा यानी एनोड पर। यानी एनोड पर क्या होगा, एनोड पर यानी प्लस वाले पर ये दोनों माइनस वाला अवेलेबल होगा, लेकिन आप लोग ये समझिए कि OH माइनस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी Cl माइनस का होता है। क्लोरीन आयन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोक्साइड आयन। क्लोरीन का जो आयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, Cl माइनस। तो यानी एनोड पर ये जो 2Cl माइनस है ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में यानी क्लोरीन गैस में। आप यहां पर एक बुलबुला निकलते हुए देखेंगे जहां कौन निकलेगा, Cl2 क्लोरीन गैस निकलता हुआ दिखाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट एनोड से होते हुए पहुंचेगा कैथोड पर, कैथोड पर यानी माइनस पर, जहां पहले से दोनों प्लस Na प्लस और CH प्लस दोनों अवेलेबल है, लेकिन आप समझिए Na प्लस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी H प्लस का होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को Na प्लस गेन नहीं कर पाएगा। कौन गेन करेगा, H प्लस गेन करेगा, यानी ये जो 2H प्लस है ये इस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस में। यहां पे भी आप एक बुलबुला निकलते हुए देखेंगे, लेकिन यहां जो बुलबुला होगा वो H2 होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। फाइनली अगर इस इक्वेशन को हम लोग जोड़ दें 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल, 2Cl माइनस से 2Cl माइनस कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं 2NaCl प्लस 2H2O एरो H2 प्लस Cl2 प्लस, ये 2Na प्लस है और 2OH माइनस है, दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएगा 2NaOH कास्टिक सोडा। इसका मतलब कि जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हाइड्रोजन कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन और एनोड पर बनता है क्लोरीन, एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इस पूर्ण प्रक्रिया को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन में क्या बनता है, तो हम लोगों का जवाब होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन तथा एनोड पर क्लोरीन गैस बनता है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेज आर इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली, एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन इस पूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस को एक और एग्जांपल देकर के मैं आप लोगों को समझाता हूं, तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है एक और एग्जांपल से। अब हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तनु विलयन। याद कीजिए पिछले चैप्टर में जब हम आप लोगों को पिछला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे
कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, याद कीजिए आप लोग को बताए थे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होती है, काफी कम, सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है। यानी अगर एक लीटर पानी लेते हैं तो एक ग्राम नमक घुला दीजिए, बहुत घुला दिए, बहुत ज्यादा घुलाएंगे तो दो ग्राम नमक घुला दीजिए। यानी कहने का मतलब कि नमक की मात्रा काफी कम होनी चाहिए, पानी का मात्रा अधिक होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा तनोवेलियन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब इसमें हम लोग करेंट फ्लो करेंगे, जब इससे विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। हालांकि NaCl है, ये Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा तो जरूर, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ही कम है, ये ब्रेक करेगा लेकिन ये रिएक्शन में भाग नहीं ले पाएगा। तो रिएक्शन में कौन भाग लेगा? रिएक्शन में भाग लेगा वाटर H2O, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। ये ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में, नाउ माइनस जाएगा प्लस पर और प्लस जाएगा माइनस पर। यानी सबसे पहले एनोड पर प्लस वाले पर कौन, ये माइनस वाला आएगा 2OH माइनस, क्योंकि 2 माइनस है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, प्लस बन जाएगा ऑक्सीजन गैस प्लस H2O। यानी दो चीज बनेंगे, एक बनेगा वाटर और एक बनेगा ऑक्सीजन गैस। वाटर तो चूंकि हम लोग का पूरा ले रहे हैं तो ये वाटर आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा, शो नहीं करेगा, लेकिन बनता है रिएक्शन में, ये दिखेगा नहीं। दिखेगा कौन? O2। यहाँ पे 1/2 लगाए हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इसमें और 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन इसमें, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा बन रहा है, कौन सा गैस बन रहा है? ऑक्सीजन। यानी एनोड पर आप एक बुलबुला निकलते हुए दिखाई देगा जो कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। नाउ ये दो इलेक्ट्रॉन थ्रू द सर्किट घूमते हुए आएगा कैथोड पर, माइनस वाले पर, और कैथोड पर पहले से 2H प्लस वेट कर रहा है इस दो इलेक्ट्रॉन का। इस दो इलेक्ट्रॉन को ये H प्लस गेन कर लेगा, कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोजन गैस में। यानी यहां एक बुलबुला निकलता हुआ दिखाई देगा, वो कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। फाइनली अगर रिएक्शन को जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2H+ से 2H+ कैंसिल हुआ, 2OH से 2OH कैंसिल हुआ, यहाँ 2H2O है, यहाँ 1H2O है, 1H2O से 1H2O कैंसिल हो गया। फाइनली अगर रिएक्शन लिखें तो H2O से करंट फ्लो किया गया, इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया, किसके प्रेजेंस में? NaCl के प्रेजेंस में। NaCl रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है इसलिए एरो पे लिख देते हैं। फाइनली इधर क्या बना? H2+ ½O2। हाइड्रोजन बनेगा कैथोड पर, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पर, एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। NaCl के तनु विलयन का वैद्युत अपघटन। यानी अगर कोई पूछे एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, तनु NaCl के तनु विलयन के वैद्युत अपघटन का वर्णन करें, तो आप इस फिगर समेत इस पूरे रिएक्शन को लिख करके समझाएंगे। क्या कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। अर्थात यदि सोडियम क्लोराइड के तनु विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड तथा एनोड पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस क्रमशः प्राप्त होते हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया को
सोडियम क्लोराइड के तनु विलयन का वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है? वैद्युत अपघटन होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो करते हैं तो एनोड और कैथोड पर कुछ सब्सटेंस जमा हो जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तीन एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला बताया मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl में सोडियम जमा होता है और क्लोरीन प्राप्त होता है। दूसरा बताया एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनता था। तीसरा बताया डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl में दो सब्सटेंस जमा होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, कैथोड और एनोड पर क्रमवार रूप से। तो इस तरह से वैद्युत अपघटन टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है फैराडेज लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम। माइकल फैराडे, इन्होंने 1832 ईस्वी में 1832 दो नियम दिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वैद्युत अपघटन के। अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम क्या है, एक एक करके दोनों नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए फर्स्ट लॉ। फर्स्ट याद कीजिए, अभी आपको बताए हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लस माइनस एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट जो भी सब्सटेंस लेकर के हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहेंगे उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, पहले भी पढ़े हैं, यानी वैद्युत अपघटन कहेंगे, लिखा ही चुके हैं पहले भी। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेकर के करंट फ्लो करते हैं, तो अभी अभी पढ़े हैं कि कुछ पदार्थ कैथोड पर भी बनता है, कुछ पदार्थ एनोड पर भी बनता है, लेकिन ये जो बन रहा है, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका सोडियम बने, क्लोरीन बने, हाइड्रोजन बने, ऑक्सीजन बने, एनीथिंग एल्स, इस इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस जमा होगा, कुछ भी जो भी बने, चाहे वो सोडियम बने, क्लोरीन बने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनीथिंग, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड पर बनता है वो कितना बनता है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, कितना बनता है ये तो नहीं पता चला है। ये कितना सब्सटेंस यहां पे जमा हो रहा है इसको बताने के लिए फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिया। ये जो फैराडे का लॉ है, फैराडे का नियम है, जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें आपको यही बताया गया कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो सब्सटेंस एनोड और कैथोड पर जमा होते हैं वो कितना होते हैं। इसके लिए इन्होंने पहला नियम दिया था, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, वेयर सी होता है करंट
विद्युत, टी होता है टाइम, समय, एम होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। याद कीजिए फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे आवेश, चार्ज जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे Q is equal to C into T, यानी जो आवेश होता है वो करंट और टाइम के गुना के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला, फिजिक्स में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे अपने फिजिक्स वाले सर से डिस्कस कर सकते हैं, आपको वो भी यही बताएंगे कि आवेश यानी चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। अब हम आपको इस टॉपिक पे आते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ है क्या। अगर आपको ये एब्रीविएशन याद है कि एम क्या है, सी क्या है, टी क्या है, क्यू क्या है, तो आप फर्स्ट लॉ आसानी से बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे ये समझिए, एम क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, करेंट का और टाइम। अगर सी और टी आप अलग अलग नहीं बोलना चाहते हैं तो इसके जगह सीधे एम प्रोपोर्शनल क्यू भी बोल सकते हैं। अर्थात क्या कहेंगे, फैराडे का पहला नियम क्या है ये समझिए। फैराडेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड टाइम। अर्थात किसी वैद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत तथा समय के सीधा समानुपाती होता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं अच्छे से समझिए कि किसी वैद्युत अपघटय के विद्युत अपघटन प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अर्थात एम विद्युत तथा समय के सीधा समानुपाती होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट एंड टाइम। इसकी जगह पर आप चार्ज भी बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कि मुक्त पदार्थ की मात्रा आवेश के सीधा समानुपाती होता है। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आया, आप तो सारे बात बोल दिए, सारा वीडियो देख लिए, लेकिन ये बात तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट जमा होगा। आप लोग देखते हैं कि जब ज्यादा वोल्टेज आता है बल्ब से ज्यादा रोशनी मिलता है, क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि करंट ज्यादा। उसी तरह इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में अगर ज्यादा करंट फ्लो करेंगे, 2 एम्पियर करेंगे तो कम पदार्थ मिलेगा, 10 एम्पियर करेंगे तो ज्यादा पदार्थ मिलेगा। यानी कितना अमाउंट जमा हो रहा है ये करंट पर डिपेंड करेगा, कम करंट कम अमाउंट, ज्यादा करंट ज्यादा अमाउंट। दूसरा बात टाइम पर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना आप स्पेंड कर रहे हैं। अगर कम देर रिएक्शन कराएंगे
तो अमाउंट भी कम जमा होगा। अगर ज्यादा देर टाइम स्पेंड करेंगे अमाउंट भी ज्यादा समय होगा, ज्यादा अमाउंट जमा होगा। कि अगर मान लो कि रोहित को अगर हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिए और वो एक मिनट इस रिएक्शन को कराया, और मान लो कि राहुल को अगर हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिए और वो 10 मिनट तक रिएक्शन किया, इस प्रोसेस को कराया, तो इसका मतलब रोहित के पास जो हाइड्रोजन जमा होगा वो कम जमा होगा और राहुल के पास ज्यादा जमा होगा। क्यों? क्योंकि रोहित कम देर रिएक्शन करा रहा है, राहुल ज्यादा। यानी जो एम है इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट जमा हो रहा है सब्सटेंस का, वो दो बातों पर डिपेंड करता है, करंट पर भी और टाइम पर भी। इट मींस द अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड करंट। मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत तथा समय के सीधा समानुपाती होता है और इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। जब प्रोपोर्शन हटता है तो आप लोग पहले भी जानते हैं, कोई एक कांस्टेंट आता है तो यहां पे जब m बराबर तो हम एक कांस्टेंट लेंगे z c t, वेयर z क्या है, z को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। उम्मीद करते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ की। फैराडे का सेकेंड लॉ द्वितीय नियम। फैराडे ने क्या किया कि दो अलग अलग बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया। लेट अस कंसीडर इसमें NaCl ले लेते हैं और इसमें KCl ले लेते हैं। तो इसमें कौन जमा होगा? सोडियम जमा होगा। इस पे कौन जमा होगा? पोटेशियम जमा होगा। इसको सीरीज पैटर्न में जोड़ देते हैं, एनोड कैथोड। याद कीजिए फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज पैटर्न में जुड़ा हो तो सेम करंट दोनों में फ्लो होता है और सेम टाइम तक होता है। यानी दोनों सॉल्यूशन से सेम करंट फ्लो होगा और सेम टाइम तक होगा। तो यहां जमा होगा सोडियम और यहां जमा होगा पोटेशियम। कितना सोडियम जमा होगा? फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर अमाउंट सोडियम और पोटेशियम का अमाउंट सी और टी पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब जितना सोडियम जमा होना चाहिए उतना ही पोटेशियम जमा होना चाहिए फर्स्ट लॉ के अनुसार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सोडियम कम जमा होता है, पोटेशियम ज्यादा जमा होता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है और सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कम होता है। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं सोडियम जमा हुआ M1 और पोटेशियम जमा हुआ M2। तो सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा, फैराडे ने, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम करंट फ्लो किया जाता है, अच्छे से समझिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम करंट और सेम टाइम तक फ्लो किया जाए तो ये जो अमाउंट जमा हो रहा है M, वो C और T पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा E पर, यानी इक्विवेलेंट वेट पर। यानी M1 प्रोपोर्शनल E1
एंड एम टू प्रोपोर्शनल ई टू. दिस इज फैराडेज सेकेंड लॉ. फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है अच्छे से समझिए. ई वन एंड ई टू क्या है? ई वन एंड ई टू आर इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार. हो सकता है कि आपके आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यही समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नियम कैसे समझ में आएगा, बड़ी भारी है सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है. तो इक्विवेलेंट वेट याद कीजिए, इसके पहले वाले चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी हम पढ़ाए थे आप लोगों को सामान्यता, उस वक्त हम इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ाए थे. अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये बात याद नहीं है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है तो आप थोड़ा पन्ना पलटिए. सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉर्मलिटी टॉपिक निकालिए, उससे पहले नॉर्मलिटी टॉपिक के पहले इक्विवेलेंट वेट हम आपको समझा चुके हैं, नोट्स में देख लीजिए. और सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट वाला लेक्चर है उसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसको समझे हुए ये समझने में थोड़ा दिक्कत है. तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टॉपिक को रोक कर पहले ये टॉपिक पिछले वीडियो में देख के समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा. तत्काल हम ये मानते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, हम आगे समझा रहे हैं. तो इसका मतलब कि फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट. एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिर से समझिए. व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करेंट इज पास फॉर सेम टाइम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. इट इज कॉल्ड फैराडेज सेकेंड लॉ. अर्थात फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि यदि किसी दो अलग अलग वैद्युत अपघटे, एक NaCl है और एक KCl है, अलग अलग, यदि किसी दो अलग अलग वैद्युत अपघटे के विलयन से समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रसायनिक तुल्यांक या यूं कहे तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है. इसे फैराडे का दूसरा नियम कहते हैं. तो अगर ये बात समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो M1 बाई M2 बराबर हो जाएगा E1 बाई E2. दिस इज द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा. याद कीजिए आपको फॉर्मूला पढ़ा है M बराबर ZCT. तो सिमिलरली इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करें तो M1 बराबर हो जाएगा Z1CT और M2 बराबर हो जाएगा Z2CT. तो M1 बाई M2 के जगह Z1CT इधर लिख देते हैं, M1 बाई M2 तो Z1 बाई Z2CT, CT से CT कैंसिल, Z1 बाई Z2 यानी M1 बटे M2 बराबर हो गया Z1 बाई Z2. फाइनली ये दोनों सेम है, यहां भी M1 बाई M2, यहां भी M1 बाई M2, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर होगा. फाइनली हम यहां पे फॉर्मूला लिख सकते हैं M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2. दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. फैराडे के द्वितीय नियम से एक फॉर्मूला मिलता है M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2 बराबर Z1 बाई Z2, जहां Z1 क्या होता है? Z हम आपको पढ़ाए हैं अभी फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़ाए थे. Z कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. E1 होता है इक्विवेलेंट वेट और M और M2 होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत
आसानी होगा। आप लोगों को दो फॉर्मूला याद रखना है, एक ये न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा, एम बराबर जेड सी टी फैराडे के फर्स्ट लॉ से मिलता है, फैराडे के फर्स्ट लॉ प्रथम नियम से प्राप्त होता है एम बराबर जेड सी टी, और फैराडे के दूसरे नियम से मिलता है एम वन बाई एम टू बराबर ई वन बाई ई टू बराबर जेड वन बाई जेड टू। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स बनाने में आप लोगों को काफी काम आएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा ताकि जब न्यूमेरिकल्स पढ़ें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझ में आने में। तो इस तरह से फैराडे का दूसरा नियम भी समाप्त हो गया। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो आप लोगों को एक टर्म आएगा फैराडे, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन कोई आपसे पूछ भी सकता है, ज्यादातर इसका यूज न्यूमेरिकल्स में होता है। फैराडे क्या होता है? आप कहेंगे सर फैराडे तो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का तो नाम है लेकिन फैराडे साहब ने एक कांस्टेंट बनाया और उसका नाम फैराडे रख दिया, या इसी को फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक भी कहते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है फैराडे बराबर? फैराडे बराबर होता है चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। यानी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फैराडे, तो क्या कहेंगे? द चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को फैराडे कहते हैं। तो सवाल यह है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? याद कीजिए 11th में पढ़ाए थे एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है याद कीजिए 11th में पढ़ाए थे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 96,494 कूलम, 494 लगभग 500, 6 ही कम हो रहा है, यानी ये लगभग बराबर होगा 96,500 कूलम के, यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ये याद रखना है आपको। एक्यूरेट वैल्यू ये होता है, अगर कभी एक्यूरेट वैल्यू यूज करना हो तो 96,494 कूलम यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स में आपको 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। कभी भी अगर 1 फैराडे या फैराडे लिखा हुआ हो तो उस फैराडे की जगह पर आप 96,500 कूलम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि फैराडे यानी फैराडे कांस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप लोगों से अनुरोध है या कहें कि ऐसा कहें कि मेरा सुझाव है कि आप पूरे वीडियो को एक बार में नहीं देखें, टॉपिक टॉपिक कर करके इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आप पूरा वीडियो एक बार में देखेंगे ना तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप टॉपिक बाई 2 दिन 4 दिन पूरा हफ्ता लगाइए इस चैप्टर को समझने में। एक बार में पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो आप टॉपिक वाइज देखिए। तो अभी इसके पहले जितना मैंने समझाया था आप एक राउंड में पहले उतना ही समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आप दूसरे दिन देखिए या दूसरी बार में देखिए। वीडियो को एक बार में कभी मत समझिए, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में। टॉपिक बाई देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, कई बार में देखिए। तो अब मैं आपको इसके आगे के टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके आगे के टॉपिक को आप तब देखिएगा इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना टॉपिक आपको अभी लगता है कि ये बहुत हो रहा है, बहुत देर से देख रहे हैं, अब तो समझ से बाहर हो रहा है, तो इसके आगे का टॉपिक अभी मत देखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
जब उतना हो जाए अगले दिन में देख लीजिएगा इस वीडियो को, समझने की कोशिश कीजिए, तब तक नोट्स पढ़िए, नोट्स का फेयर कीजिए, कुछ और काम कीजिए, थोड़ा खेल भी लीजिए। तो अगले टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगला जो स्क्रीन आपको दिखाई देगा वो बोर्ड पे का दिखाई देगा। आप लोगों को फैराडे के फर्स्ट नियम में फर्स्ट लॉ में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया M बराबर जेड सी टी, जहां जेड क्या है, जेड को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्वी वैलेंट, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, सी क्या है करंट विद्युत, टी क्या है टाइम समय, एम क्या है, पहले भी लिखे थे, इसके पहले भी टॉपिक में इसको लिखे थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, अभी जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं, ये समझा रहा हूं ये जेड क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रो केमिकल इक्वी वैलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक से क्या समझते हैं, तो क्या आप इसका डिफिनेशन देंगे, आप क्या कहेंगे इसका डिफिनेशन। आपको इसके डिफिनेशन को समझने के लिए आपको यह समझना है कि लेट अस कंसीडर सी इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मानना है सी इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू जेड इन टू सी की जगह 1 इन टू टी की जगह 1, तो क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू जेड। अगर यह समझ में आ रहा है तो डिफिनेशन आपको आसानी से बोल सकते हैं। क्या डिफिनेशन बोलेंगे ये समझिए, व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास फॉर 1 सेकेंड, एक बार फिर से, व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी अगर सॉल्यूशन से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो जितना अमाउंट जमा होगा इलेक्ट्रोड पर उतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, उसी अमाउंट को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। सो सिंपल, यही है आपका डेफिनेशन। 1, 2,
थ्री फोर यहां से शुरू करेंगे और लास्ट यहां करेंगे. When 1 ampere electric current is passed for 1 second during electrolysis, the amount of substance deposited on electrode is called electrochemical equivalent. किसी विद्युत अपघटन में 1 ampere की विद्युत धारा 1 second तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं. इसे जेड से सूचित करते हैं. जेड से सूचित करते हैं. कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को. अगला टॉपिक है रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस प्रतिरोध. फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी मीडियम से अगर करंट हम लोग फ्लो करते हैं तो वो अगर किसी ये तार है और इस तार से अगर हम लोग करंट को फ्लो कर रहे हैं तो ये तार इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि ये करंट इससे फ्लो ना हो. और ये जो अपोज करेगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. यानी ईच एंड एवरी सब्सटेंस, ईच एंड एवरी मीडियम अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई आर. इट्स यूनिट इज ओम. प्रत्येक माध्यम, प्रत्येक विलयन उससे प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे रोकने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं. प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित करते हैं एवं इसका मात्रक होता है ओम. रेसिस्टेंस का उल्टा कहलाता है चालकता. चालकत्व, चालकत्व यानी कंडक्टेंस. इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी C इज इक्वल टू 1/R. यही है डिफिनीशन. द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, आप लोग को पता होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा. प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं. अर्थात अगर किसी मीडियम का, अगर किसी तार का, किसी सॉल्यूशन का अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट उससे आसानी से फ्लो करेगा, दैट इज उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा. अगर किसी का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा, उससे करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा. तो रेसिस्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है ये समझ में आ रहा होगा. याद कीजिए फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. फिजिक्स में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि एक तार जितना ज्यादा लंबा होता है रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा मोटा होता है रेसिस्टेंस उतना कम होता है. यानी प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती परंतु क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है. क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा. लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम. क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती है इसलिए किसी भी एपरेटस में छोटा तार इस्तेमाल करना चाहिए. जितना बड़ा तार इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. और किसी भी तार में ज्यादा एमएम का तार, ज्यादा एरिया वाला तार, ज्यादा मोटा तार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रेसिस्टेंस कम से कम हो. केमिस्ट्री में यही चीज हम आप लोगों को तार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए पढ़ाते हैं. ये प्लस है, ये माइनस है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एल, और जो एरिया होगा दैट इज ए. यानी एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और A इज इक्वल टू एरिया क्षेत्रफल। अर्थात द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच के लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, परंतु क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा दूर रखेंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड को कम दूरी पर रखना चाहिए। जब भी हम लोग कोई सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कोशिश करना चाहिए कि जितना कम से कम हो उतना कम से कम रखा जाए, और एरिया जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो आर के बाद प्रोपोर्शन हटा के जब बराबर डालेंगे एक कांस्टेंट आएगा रो इनटू एल बाय ए। या ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं रो, आर एच ओ, रो रो, और इस रो को कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, अभी आपको पढ़ाए थे C इज इक्वल टू वन बाई आर, अभी तुरंत इसके पहले बताए थे कि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक इसी तरह से कप्पा इज इक्वल टू वन बाई रो, रेसिस्टेंस रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो क्या कप्पा क्या कहलाएगा? कप्पा कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस विशिष्ट, इंक खत्म हो रहा है, विशिष्ट चालकत्व, दैट इज डिनोटेड बाई के कप्पा। इसको कहा जाता है के को कप्पा पढ़ा जाता है। कप्पा इज इक्वल टू वन बाई रो, यानी अगर कोई पूछे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अगले टॉपिक को समझाते हैं, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस की। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? यानी तुल्यांकी चालकत्व मोलर चालकत्व
इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट एंड मोल, ये जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर में दोनों टॉपिक के बारे में मैंने डील किया है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और मोल क्या होता है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसमें आप लोगों को नॉर्मलिटी और मोलरिटी, मोलरिटी के पास मोल को डिफाइन किया हुआ मिलेगा और नॉर्मलिटी के पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आपको डिफाइन किया हुआ मिलेगा। एक बार इस टॉपिक को समझने के पहले आप लोग उस दोनों टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। हो सके तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वीडियो है, जो लेक्चर वाला वीडियो है, उसमें इस दोनों टॉपिक को एक बार जरूर समझ लीजिएगा ताकि ये समझने में आसानी हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक याद होगा, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही दो भागों में बढ़ जाता है। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कभी कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कभी कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। डिपेंड करता है क्या कि सॉल्यूशन की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, उसको किस में आप डिनोट कर रहे हैं। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को आप लोग इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको इस कप्पा को ही कहा जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अगर इसको मोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी इक्विवेलेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कहा जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इट मीन्स दैट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, and the specific conductance of one mole solution is called molar conductance। यानी अगर solution का one mole है तो specific conductance का ही नाम हो गया molar conductance mu। और अगर जो solution है वो one equivalent weight है तो इसका जो specific conductance है उसी को कहा जाएगा equivalent weight denoted by lambda। It means that स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही दो अलग अलग टॉपिक में, दो अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक मोलर कंडक्टेंस। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। अंतर सिर्फ इतना का है कि सॉल्यूशन का अमाउंट किस यूनिट में, किस टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर सॉल्यूशन वन इक्विवेलेंट वेट है देन द कंडक्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इफ द सॉल्यूशन इज वन मोल then the conductance is called molar conductance। It means the specific conductance of one mole solution is called molar conductance। It is denoted by mu। And the specific conductance of one equivalent weight of a solution is called equivalent conductance। It is denoted by lambda। अर्थात किसी विलयन के एक मोल के विशिष्ट चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। एक बार फिर से, किसी विलयन के एक मोल के विशिष्ट चालकत्व को ही मोलर चालकत्व कहते हैं, इसे म्यू से सूचित करते हैं। परंतु किसी विलयन के एक तुल्यांकी भार, फिर से किसी विलयन के एक तुल्यांकी भार के विशिष्ट चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। यानी बात वही है, दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है। इक्विवेलेंट वेट रहेगा तो कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोल रहेगा कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही दो भाग में बांट दिया गया, दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिनोट किया गया, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस
किन पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है और इसके कारण क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखें अगला वीडियो। तब तक लेना रहे बेकरार कुर्सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार समाप्त हुआ आज तक, इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक।